हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो आप ठीक हो? कि मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आई थी रामपुरा फूल। ये मेरी मम्मी है, स्वेटर बना रही है लड्डू के लिए, कोटी जर्सी। देखो आप कैसा लगा डिजाइन आपको। तो मैं बनाने लगी थी शाही पनीर। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, कढ़ाई बहुत जल गई थी हमारी, तो गैस जला दिया मैंने। कढ़ाई में तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, उसके बाद मैंने ग्राइंड करा हुआ था मसाला, क्योंकि वो जब भी मैं रामपुरापुर जाती हूँ मैं ही सब्ज़ी बनाती हूँ जाके। तो इधर मेरा स्टैंड तो है नहीं, बच्चों ने पकड़ रखा था, तो मैं भून रही थी मसाला, ग्राइंड करा था लहसुन अदरक हरी मिर्च पूरा प्याज सब ग्राइंड कर लिया था, तो टमाटर भी ग्राइंड करके बीच में डाला था, अभी डाला नहीं था, मसाला ही भून रही थी। इधर का तेल ना पीला पीला है, पता नहीं कैसा, असली सरसों का है तेल, इधर में पीला पीला होता है। बहुत पकाया मैंने, फिर भी इसका कलर ऐसे ही रहा। तो मसाला भून रही थी मैं, जो टमाटर वो भी मैं ग्राइंड करके बीच में ही कर दिया था ग्राइंडर से। तो अब अच्छी तरह भूनूंगी मैं मसाला। तो आप लोग देखो, मसाला मसाला सब मैं बीच में ही डाल देती हूँ, क्योंकि वो नवरात्रि थे ना, अष्टमी करी थी, तो वो सुच्चा ही था सारा, वो पैकेट में ही था, मैंने डिब्बों में से नहीं डाला। तो पनीर मैंने काट के रख लिया था, तो मैं गई थी तो शाही पनीर बनाना था, इसलिए मैंने कहा चल, वो कहते भी आप ही बनाओ, तो मैं ही बना रही थी, मसाला मसाला सब बीच में डाल रही थी। आप लोग कंचन के बारे पूछती हैं, आपको पता है वो, उसकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा उसको ब्लड की भी उल्टियाँ लगी। आप लोग जो वीडियो बना बना के उसके ऊपर बोल रहे हो, आपको अच्छा लगता है? एक तो वैसे ही बहुत दुखी है वो, ठीक है, इतनी बीमार है तभी तो उसकी इतनी ख़राब, ज़्यादा ब्लड की उल्टियाँ चल रही है। मैंने तो जो मैंने आना था, क्योंकि नन्नू की दवाई चलती है इधर से, तो मेरे को आना पड़ा पीछे से। उसकी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। वैसे तो हम जा रहे हैं कल वापस। आप लोग वीडियो बनाते हो, आपको अच्छा लगता है कि एक तो आपको बनानी नहीं चाहिए, ठीक है, कितना बुरा लगता है जब किसी के ऊपर वीडियो, जब वो कुछ बोलती नहीं आपको, कभी कभी उसका दिमाग ही पता नहीं कैसे फिर जाता है, इतना समझाते समझाते पता नहीं क्यों उसका दिमाग ऐसे हो जाता है। कितने दिन उसने अपना चैनल बंद रखा, फिर मैंने बोल बोल के उसको बोला कि तू अपना चैनल चला, तू अपनी वीडियो बना, तूने क्यों बंद कर रखा अपना चैनल, तो काम तो करना ही पड़ेगा बच्चे के पीछे। तो आप लोग उसके ऊपर वीडियो बनाते हो, पहले उसकी सहेलियाँ बन के फिर उसके ऊपर वीडियो डाल देते हो, ऐसा करना छोड़ दो। लो जी, मेरा शाही पनीर भी बन गया, मलाई भी मैंने डाल दी, मसाला भुन गया, ग्रेवी, तो उसके बाद मैंने पनीर डाल दिया, साथ के साथ मैंने मलाई डाल दी, तो ग्रेवी ग्रेवी बनाया। कैसा लगा देखो, पनीर शाही पनीर, ऊपर से मैं मसाला कर दिया। तो अब मैं बनाऊंगी चावल। हमारे घर रिफाइंड नहीं बरतते, हमारे रिफाइंड कोई भी नहीं खाता, तो चावल भी हम तेल में ही पकाते हैं। शाही पनीर बनाई, चावल बनाए, रोटी बनाई, जब हम गए तो जाके खाना खुद ही मैं ही बनाती हूँ, मेरे से बनवाते हैं। तो प्याज भून रही थी मैं, जीरा डाल दिया, प्याज भून रही थी, उसके बाद डालूँगी चावल, फिर नमक डालूँगी, फिर डालूँगी चावल, पानी डाल के उसको ढक दूँगी। देखो आप लोग वीडियो में कंचन के बारे में मेरे से पूछते हो, है ना, जब बीमार होती है तो वो वीडियो नहीं डालती, क्योंकि मैं भी कोई जवाब नहीं दे पाई, मैं भी बाहर आई हुई थी, तो मैं भी अपने लड़के को लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा लड़का भी बीमार था। कंचन को मैं घर छोड़ के आई अपने, तो मैं कह चल इसकी वीडियो क्यों नहीं आती थी, बीमार के कारण नहीं आती थी, और कोई ऐसा वो नहीं है, उसके गुस्से का आपको पता ही है, जब थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाए तो गुस्सा बहुत दिखाती है, उसकी बोली ऐसी है। लो जी, मैंने चावल डाल दिए, चाहे वो प्यार से बोले फिर भी उसको अब दूसरे को लगता कि वो गुस्से में बोल रही है। हमारे चावल बन के रेडी हो गए हैं, पानी डाल के ढक दिया था, भाप से बन जाते हैं हमारे चावल।
तो हम आए थे 99 स्टोर पे, मैंने लेने थे कप और गिलास। नन्नू आया था साथ में, इसकी नन्नू की मामी थी छोटी वाली, और हमारी बिंदिया मधी भतीजी थी छोटी वाली। तो ये देखो, आप लोग कमेंट करते थे कि आप अपने दूसरे भाई के घर क्यों नहीं जाती। मैं इसलिए नहीं जाती थी, मेरा दिल, जब मेरा अपना भाई नहीं था, मेरा भतीजा नहीं, इस वजह से मेरा दिल नहीं लगता उनके घर में। तो आज फिर मैं इनके घर में रुकी, आई, रात भी रुकी। तो मेरे ना वही याद आती है, जब भाई भतीजा थे तो वो याद आती है, इसलिए मैं जल्दी से आती नहीं। तो ये इनका मंदिर है, मंदिर में आरती चल रही थी, तो पूजा कर रही थी मेरी भाभी छोटी वाली। तो मैं वीडियो बनाने लग गई थी, मैं कहा चल इनके मंदिर की वीडियो बनाती हूँ। इनके भी बाबा जी रखे हुए हैं, खाटू श्याम जी, वो भी इनको मानते हैं। तो वो आज घर की सफाइयाँ करी हैं, पूरे पर्दे पुर्दे धोए, तो बाहर की रोशनी आ रही थी, पर्दे नहीं लगाए थे तो ऐसी रोशनी आ रही थी। मैं कहा चल मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं उनके सामने वीडियो बनाने लगी। मैं भी साथ में थी, नन्नू भी आया, नन्नू इनके घर ही रुकता है ज़्यादा, दूसरे वाले घर नहीं रुकता, उधर मैं रुक जाती हूँ, चली जाती हूँ, कभी कभी हो जाता, पर रात वो इनके घर ही रुकता है। उसका शुरू से मन इधर है, तो मैं फिर रोकती नहीं उसको आने को, तो वो इनके घर ही रात को रुक जाता है। तो वो लड़का लगाया हुआ था पर्दे घोड़ी के ऊपर, तो वो इनके घर से देखो पहले के लगे हुए हैं। आज है दशहरा है ना, तो मैं आई थी, मैं कहा चल थोड़ी बहुत ही मिठाई ले जाते हैं, तो कुछ मन कुछ बदल जाएगा इनका। नहीं तो रिंकू जो था भाई, अभी साल भी नहीं हुआ, तो इन्होंने तो मनाना नहीं था। मैं कहा बहाने से मैं लेके आ गई, मैं कहा नहीं उधर जलेबी बन रही थी गरम गरम, मैंने नन्नू को फ़ोन करा कि नन्नू जलेबी लेके चल मैं आ रही हूँ। तो नन्नू जलेबी लेके आया, फिर हम जलेबियाँ लेके आई थी इधर। तो लो जी पढ़ते बैठ के फिर हमने जलेबियाँ खाई। उसके बाद में मैं वीडियो बनाने लगी। फ्लावर सब धोए थे, ये अच्छा था मकान बनाया था नया, क्या करें, बर्तन वाला ही नहीं रहा कोई, दोनों माँ बेटी रहती हैं। तो लो जी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। लो जी हम खा रहे हैं जलेबी, आप भी खाओ। मीठा तो वैसे मैं कम खाती हूँ, फिर खा लेती हूँ। चल आप थोड़ी जी खाती, मैंने ज्यादा देती ना, मैं तो सारी खा गई, ऐनी कितने मैं तो खाती जानी है। मीठी बहुत लो ज्यादा जी मीठी बहुत है ना, ज्यादा मीठी है, खा चल जलेबी। एड्डी लेती है के है हो ही है। अच्छा मैं तो छोटा जा पौधा ले, पौधे ले आके लाए हैं तुलसी दे, साढ़े हुंदी नहीं तुलसी, आता लगे लगाए लेते लगते है ना। अच्छा पता नहीं साढ़े क्यों नहीं होंगे गे, साढ़े तो मनी प्लांट ही बहुत ज्यादा होए बया। देखो कितने अच्छे पौधे हैं, तुलसी मेरे को बहुत अच्छी लगी इनकी, तुलसी इनके घर बहुत होती है। कल हम जा रहे हैं, कल इसका है जन्मदिन, इसको सब हैप्पी बर्थडे करो। पर पता कौन है, ये है मेरी भतीजी सबसे छोटी वाली, रिंकू की सिस्टर। रिंकू को तो आप जानते होंगे, तो सब लोग इसको विश करो। वैसे तो हम मना नहीं रहे, कोई भी त्यौहार नहीं मनाया, ये जलेबी मैं ही लेके आई थी कि थोड़ा सा भी मीठा हो जाए। आज है, आपको पता ही है मेरा भतीजा पूरा हो गया था, तो मैं ही लेके आई थी, इन्होंने तो कुछ नहीं करा था। तो सब लोग इस विश करो, क्योंकि हम मना तो नहीं रहे, पर बच्चे के दिल में होती है ना कि मेरा जन्मदिन है, मनाना चाहिए। तो वीडियो को एंड कर रही हूँ, ओके बाय बाय।